हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 6 5G में आप ड्यूल एप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एडवांस्ड फीचर्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूल मैसेंजर की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स ड्यूल ऐप्स को सपोर्ट करेगी वो यहाँ पर अवेलेबल ऐप्स में शो हो जाएंगी। फिलहाल मेरे फ़ोन में दो ही ऐप्स सपोर्ट कर रही है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। तो दोस्तों आपको जिस भी ऐप को ड्यूल ऐप में क्रिएट करना है आपको सिंपली से यहाँ से ऑन कर देना है। चलिए मैं स्नैपचैट को करके दिखा देती हूँ कि मैंने स्नैपचैट को यहाँ से ऑन किया एंड देन यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्यूल ऐप क्रिएट हो चुकी है। चलिए मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी पुराने वाली स्नैपचैट है और ये अभी ड्यूल ऐप में जो क्रिएट हुई वो वाली। तो दोस्तों आप यहाँ से इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, आपको सिंपली ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी अनइंस्टॉल की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अनइंस्टॉल, तो जो ड्यूल ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल हो चुकी है।